हम मुख्यमंत्री सर से एक कहना चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस मिले, साथ में हमें मुआवजा मिले। अगर आप उत्तर प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ते हैं या पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो कॉलेज का चयन बड़ी ही सावधानी से करिएगा, वरना ऐसा ना हो कि आप भी चेहरे पर निराशा लिए इन छात्रों की तरह ठगी का शिकार हो जाए। दरअसल बरेली में डी फार्मा के छात्रों से ठगी का मामला सामने आया है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, नहीं भी नहीं हो रही है। कोई 4 साल हो गया मैं डी फार्मा करोगे, 2 साल का डिप्लोमा था, 4 साल लगा दिए और फर्जी मार्कशीट हमें थमा दी हाथ में हमारे। सबके 2,30,000 रुपए फंसे हुए हैं। कितने 2,30,000 रुपए हैं? बहुत कितने बच्चे शामिल हैं इसमें? इतने बच्चे हैं कम से कम 391। 391 बच्चे शामिल हैं, 91 बच्चे हैं जिसमें डी फार्मा वाले। कितना रुपया दिया है एक बच्चे ने? एक बच्चे ने 2,30,000 रुपए दिए कॉलेज को, खुदरो कॉलेज 2,30,000। 4 साल से ऐसी आप लोग टहल रहे हैं, मार्कशीट नहीं मिली है हमारे, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तुमसे जो कर मिले वो कर लो, भोले भाले छात्रों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है बरेली के खुसरो डिग्री कॉलेज ने। आरोप है कि कॉलेज ने छात्रों से डी फार्मा के नाम पर लाखों की फीस ली और कोर्स पूरा होने के बाद फर्जी डिग्री थमा दी। जब छात्र जॉब के लिए गए तब उनको फर्जी डिग्री के बारे में पता चला। छात्रों ने बताया कि करीब 400 छात्रों से 3 करोड़ से अधिक रुपए वसूले गए। आप लोग में पैसे दिए हैं आपने? 2020 में तो 4 साल होगा अभी तक मार्कशीट, कोई मार्कशीट मिली है किसी को? फर्जी है। आप लोग थाने आए थे, कोई सुनवाई हुई है? थाने आए थे, कोई सुनवाई हुई है? हमारे साथ चल रही है। आप लोगों ने एप्लीकेशन दी थी यहाँ पे? एप्लीकेशन दी है। कितने दिन पहले? कितने दिन? एक कप्तान साहब को दिए या सीबीएन थाने दिए? अभी इंस्पेक्टर साहब से आप मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? आश्वासन ये दिया अभी कार्रवाई चल रही है तुम्हारी। छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने इस गड़बड़ी में शामिल 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस खुसरो कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफिर, उसके बेटे अफरोज जाफिर और फर्जी डॉक्टर विजय शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बताया जा रहा है कि वही शेर अली जाफिर पहले समाजवादी पार्टी में था, फिर उसने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद भाजपा का दामन थाम लिया था। 2020 में डी फार्मा का एडमिशन लिया था जी, जिसमें इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। हाँ। लगभग 2.5 लाख रुपए हमसे लिया है और फर्जी मार्कशीट पकड़ा दी हमें। आपसे एक जने से 2.5 लाख जी। अच्छा, और अब हम जब आते हैं तो हमें कभी कुछ बहाना बना के भगा देते हैं। मार्कशीट है वो कौन सी फर्जी? मार्कशीट है मोबाइल में। उसके बाद क्या है, कई बार आए, हमने शर्मा जी का बहाना मिलाया, शर्मा जी से बात हो रही है। शर्मा जी से जब हमने जाके संपर्क किया तो उन्होंने कहा सब कुछ फर्जी बाड़ा, अपने पैसे वापस ले लो। अच्छा। अब जब हम कॉलेज आए तो यहाँ ना तो जाफरी सर हैं, ना ही कोई बात करने को तैयार है। मैडमों को आगे बढ़ा के हमसे बस वीडियो बनवा के लड़ाई दंगे कराना चाह रहे हैं ये। हम मुख्यमंत्री सर से एक जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस मिले, साथ में हमें मुआवजा मिले। जो हमारे 4 साल का खिलवाड़ हुआ है वो हर बच्चों के साथ ना हो दोबारा, आगे कभी ना हो। जितना फर्जीवाड़ा यहाँ पे चल रहा है सब खत्म हो जाए, हम लोग के 4 साल बर्बाद हुए हैं और बच्चों के 4 साल बर्बाद ना हो, जिंदगी उनकी खराब ना हो। हम ये चाहते हैं हमारे साथ जो हुआ है उसका न्याय करे सरकार। पुलिस की टीम तो कॉलेज प्रशासन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, आरोपियों को अरेस्ट कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जिन छात्रों का 4 साल से वक्त बर्बाद हुआ उसका क्या, छात्रों के भविष्य का क्या, कौन उन्हें उनके पेरेंट्स की मेहनत की कमाई लाकर देगा? क्या पता कुछ छात्रों ने फीस भरने के लिए कर्ज लिया हो, वो कौन अदा करेगा? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।